ऑस्ट्रिया में लीगली कोई भी इंक्रीमेंट दो बार होता है, एक तो वहां पर आप नेगोशिएट नहीं कर, साल जनवरी में लेबर यूनियन के बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। हेलो एवरीवन, अरसारा नाराम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेनू और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रिया वियना सिटी में, और इस चैनल पे मैं शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस। तो आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। वैसे तो ऑस्ट्रिया रहने और काम करने के मामले में बहुत ही अच्छी कंट्री है, और अगर आप यहाँ पर जॉब करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको यहाँ की सैलरी के बारे में कुछ बातों का पता होना चाहिए, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और वैसे भी ऑस्ट्रिया में अभी स्किल्ड वर्कर की काफी डिमांड है, जो कि मैंने पहले पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, और स्टिल अभी भी उसकी डिमांड काफी ज्यादा है। आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले, ऑस्ट्रिया में लीगली कोई भी मिनिमम वेज नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि एम्प्लॉयर का जितना मन करेगा आपको वो देगा। कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी ये डिसाइड रहता है कि एटलीस्ट वो हर सेक्टर का मिनिमम वेज का क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि इतनी तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रिया में ये काम कलेक्टिव एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है। कलेक्टिव एग्रीमेंट यहाँ की जो यूनियन होती है, जो लेबर यूनियन होती है, वो गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसमें वो डिसाइड करती है कि मिनिमम वेज क्या होगा। हर सेक्टर का कलेक्टिव एग्रीमेंट अलग होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है जिसपे आप जाके किसी भी सेक्टर का एग्रीमेंट देख सकते हैं। नंबर टू पे सैलरी नेगोशिएशन यहाँ पे कॉमन है, लाइक एम्प्लॉयर को या जो भी बंदा आपको हायर कर रहा है, तो मतलब इतना बुरा नहीं माना जाता अगर आप यहाँ पे नेगोशिएट करते हो अपने क्वालिफिकेशन के दम पे, उसको वो अच्छा ही मानते हैं। लेकिन कुछ प्रोफाइल में या जब कंपनी जॉब निकालती है तब वहाँ पे लिख दिया जाता है क्लियर कि ये फिक्स अमाउंट है, तो वहां पर आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक फिक्स अमाउंट दे दिया, और अच्छी खासी कंपनियां फिक्स अमाउंट अच्छा ही देती हैं। तो नेगोशिएशन करते समय बिल्कुल भी अगर ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं दे रखा है तो नेगोशिएट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड हैं और आपकी स्किल्स काफी अच्छी हैं तो आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि ऑस्ट्रिया में जो सैलरी होती है वो 14 पार्ट्स में आपकी डिवाइड होती है। साल में 12 महीने होते हैं लेकिन आपको 14 सैलरी दी जाती है। तो इस बात पे ज्यादा खुश मत होइएगा कि आपको मतलब 12 महीने होते हैं 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है तो वो तो पॉकेट में आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी आपको ग्रॉस सैलरी ऑफर की जाती है तो आपको उसको 12 से नहीं 14 से डिवाइड करना है, तब आपको एक्चुअल पता चलता है कि आपको मंथली कितनी मिल रही है। और 2 महीने की जो एक्स्ट्रा सैलरी होती है वो एक जून की सैलरी के साथ और एक नवंबर की सैलरी के साथ आपको मिलती है। उन सैलरी पे जो अमाउंट होता है उस पे टैक्स कम लगता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अमाउंट वहां पे ज्यादा मिलता है। नंबर 4, मोस्टली एड जब आप देखते हैं तो उसमें ज्यादातर एड में ग्रॉस सैलरी ही ऑफर की जाती है या फिर वो शो की जाती है, लेकिन आपको यहाँ आने से पहले या सैलरी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले अपनी नेट मंथली सैलरी देखनी चाहिए कि कितनी बनती है। और इसको आप ऑनलाइन गूगल पे बहुत सारे सैलरी कैलकुलेटर हैं जिनमें से कुछ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहां पर जाकर अपनी नेट सैलरी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया में टैक्स बहुत ज्यादा है तो ये चीज तो आपको जरूर देखनी चाहिए। कंपनियां यहाँ पे जब भी कोई पोजीशन निकालती हैं तो लीगली उनको कुछ अमाउंट मेंशन करना पड़ता है कि इस पोजीशन के लिए वो आपको इतनी सैलरी देंगे, तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। लाइक कई बार कंपनीज एक अमाउंट तो लिख देती हैं लेकिन उसके साथ में नीचे ये भी लिख देती हैं कि एक्चुअल जो अमाउंट है वो आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे डिपेंड होगा, या फिर वो ये लिख देते हैं कि एडवर्टीजमेंट में जो अमाउंट है वो सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी है और वो आपको ज्यादा पे करने के इच्छुक हैं, वो आपके अगेन आपके ऊपर डिपेंड है, या फिर वो ये मेंशन कर देते हैं कि सैलरी कलेक्टिव एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगी। कलेक्टिव एग्रीमेंट का मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आप हर सेक्टर का जाके वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, जब आपका जॉब डिस्कशन होता है उसमें जो भी डिटेल्स होती है उनको अच्छे से चेक करो, क्योंकि कई बार ये कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि जो आपको सैलरी शो कर दी जाती है वो फुल टाइम के लिए होती है लेकिन जो काम होता है वो फुल टाइम का नहीं होता है। लाइक अगर किसी कंपनी ने शो कर दिया है कि आपको वीक में 30 आवर की सैलरी उन्होंने शो कर दी है, लेकिन एक्चुअल में उनको 30 आवर का काम है ही नहीं, तो वो 20 आवर का आपसे काम ले रहे हैं,
तो इस चीज को क्लियर जरूर करके आए कि हाँ उस जो 20 आवर का वो जो काम ले रहे हैं तो उस 20 आवर की सैलरी वो कितनी पे करेंगे। तो इस ये कंफ्यूजन जो आवर बेसिस पे जो काम होते हैं तो इनमें जो वेजेस मिलती है उसमें कुछ कंपनीज क्लियर मेंशन नहीं करती है चीजें, तो कंफ्यूजन रहती है। सैलरी वालों की तो फिक्स अमाउंट फिक्स होता है लेकिन वेजेस जो लेते हैं वो घंटे के हिसाब से लेते हैं। तो इस चीज को जरूर क्लियर कर लीजिए कि कितने घंटे काम करवाएंगे और उन घंटों का कितना पैसा वो दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट दो बार होता है। एक तो होता है जो ये लेबर यूनियन होती है वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि साल में कितनी परसेंट सैलरी बढ़ानी है, तो बहुत ज्यादा सैलरी इतनी बढ़ती नहीं है। और दूसरा जो होता है वो ये जो सैलरी बढ़ती है ये जनवरी फरवरी में बढ़ती है। दूसरी जो होती है जिस एम्प्लॉयर के अंडर आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में क्या अंडर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर वो कंपनी आपकी सैलरी बढ़ाती है जो कि अप्रैल में पता चलती है आपको। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी बढ़े ही बढ़े, बस इस साल जनवरी में लेबर यूनियन के द्वारा अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था गवर्नमेंट से, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें, बिजली का बिल वगैरह काफ़ी बढ़ गया था, तो उसकी वजह से इस बार सैलरी में हाइक थोड़ा ठीक हुआ है। अदरवाइज हर साल हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए जब भी अपनी सैलरी को आप लेके आते हैं यहाँ पे तो वहीं पे जो बार्गेनिंग करनी है वहीं पे कर लो। यहाँ आगे आप इतना नहीं सोच सकते कि हाँ भाई इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर सेक्टर का हर एम्प्लॉयर अलग होता है। तो हर सेक्टर में नहीं होता है, कुछ सेक्टरों में होती भी होगी लेकिन हर जगह हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो है, अगर आप फील्ड जॉब में यहाँ पे आ रहे हैं किसी भी तरीके की तो वो आपको क्या अदर बेनिफिट्स दे रहे हैं उस चीज़ को भी आप क्लियर करके आइए या उनको क्लियरली पूछ लीजिए कि हाँ हम मुझे कार मिल रही है या फिर 2 व्हीकल मिल रहा है या 4 व्हीकल मिल रहा है, तो 4 व्हीकल 2 व्हीकल में भी आपको और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक उनका पेट्रोल होता है, उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो सब चीज़ों को भी आप क्लियर कर सकते हैं। ये थे कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स सैलरी के रिगार्डिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आप जब भी कोई सैलरी ले, जब भी यहाँ से आपको कोई सैलरी ऑफर होती है ऑस्ट्रिया से तो ये चीज़ें मेंशन होती हैं कई बार, तो इन चीज़ पॉइंट्स को माइंड में ज़रूर रखिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।